हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत या हम अधिकतम सामाजिक जो कल्याण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर। मीनिंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल एडवांटेज एंड द प्रिंसिपल बी यूज टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव इज द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, जिसको हम MSA के नाम से भी जानते हैं। द MSA इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच पब्लिक फाइनेंस बेस्ड होता है। इसमें बताया गया है कि मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, राजस्व के सिद्धांत से आती है, उस मूलभूत नियम से है जिसके द्वारा राज्य की वित्तीय नीति का निर्धारण किया जाता है कि कोई भी राज्य है उसकी जो फाइनेंशियल जो पॉलिसी होती है उसके बारे में जो डिटरमाइन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम ऑफ सोशल एडवांटेज कहते हैं। आधुनिक काल में राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जो जाता है वो प्रोफेसर जो पीगू हैं, डाल्टन हैं, मसग्रेव हैं तथा भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर भार्गव को है। सर्वप्रथम प्रोफेसर पीगू ने न्यूनतम कुल त्याग जिसे लिस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इस अपनी एक उनकी बुक है स्टडी इन पब्लिक फाइनेंस में किया है। क्या है उस बुक का नाम, स्टडी इन पब्लिक फाइनेंस, जिसके अनुसार करारोपण के फलस्वरूप समाज को जो त्याग करना पड़ता है वह न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है कि जो हम टैक्स पेड कर रहे हैं वो टैक्स क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और टैक्स के बदले में गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही हैं वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि यदि जो पब्लिक है वो जो टैक्स पेड कर रही है जिसे बर्डन मान रही है उसे बर्डन ना समझे, क्योंकि उसे लगे कि हम भले ही टैक्स पेड कर रहे हैं पर उसके बदले में जो हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो उस टैक्स को क्या कर देती है, रिकवर कर देती है। इन्होंने बताया है कि करारोपण के फलस्वरूप समाज को जो त्याग करना पड़ता है वह न्यूनतम होना चाहिए, जिससे कि न्यूनतम त्याग की विचारधारा के बारे में डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के नाम से भी इसे प्रसिद्ध किया है। प्रोफेसर पीगू ने अपनी उनकी एक बुक है जिसमें बताया है कि पहले सिद्धांत को अधिकतम कुल कल्याण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर भी कहा गया है। प्रोफेसर R.N. भार्गव ने सिद्धांत को लोक वित्त या राजस्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस कहा है। जो ये मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इसके बारे में कि प्रोफेसर भार्गव का जो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस है उसका एक्सप्लेन करो, तो आपको जो है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के बारे में ही इस स्पष्ट करना है। आधुनिक युग में राजस्व की समस्त क्रियाओं का संचालन जो होता है इसी सिद्धांत के अनुसार होता है। जो भी हमारा पब्लिक फाइनेंस है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो हमें गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, या हमारे से जो टैक्स लिया जाता है जिसको हम एक तरीके से बर्डन मानते हैं और उसको पेड करते हैं, ठीक है, तो वो सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी ही सिद्धांत को ध्यान में रखकर की जाती हैं। आजकल अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करना ही सरकार का उद्देश्य हो गया है। इन दिस टाइम क्या हो गया है गवर्नमेंट को कि हमें क्या करना है, वो लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है कि हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्राप्त करना है, जिससे कि हमें जो है जो हमारी जनता है जो पब्लिक है उसको क्या हो, वो अनसेटिस्फाइड ना हो, वो एक सेटिस्फाइड फीलिंग प्राप्त करे। अब बताया, आज विश्व का कोई भी देश या राष्ट्र ऐसा नहीं है जहां वित्तीय क्रियाओं का नियमन जो होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण पर आधारित नहीं है। कोई भी कंट्री हो, छोटा हो, बड़ा हो, आपके यहाँ पे डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो, सब कंट्री इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें जो अपनी पॉलिसी बनानी है वो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को ध्यान में रखकर ही तैयार की करनी है। इसमें बताया गया है, डॉक्टर जो डाल्टन हैं उनके अनुसार राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम लाभ की प्राप्ति कर सकता है। किसी भी गवर्नमेंट की सबसे जो बेस्ट जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वह है जिसमें क्या हो सकता है, कोई लोकल गवर्नमेंट हो वो क्या कर सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कर सकती हो।
सिद्धांत के जो प्रतिपादकों का मत है कि यदि सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत के अनुसार आय प्राप्त करती है, ठीक है, इसके अनुसार वो क्या करती है, जो पब्लिक से अपनी इनकम प्राप्त करती है तथा इसी सिद्धांत के अनुसार इस आय को वह व्यय भी करती है, इसी सिद्धांत के अनुसार वो क्या कर रही, जो ये आय है इसको व्यय भी कर रही है, तब समाज क्या करेगा, अधिकतम कल्याण हो सकेगा, तब जो हमारी सोसाइटी है उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सकता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल, सार्वजनिक व्यय व आय की सीमा। डॉक्टर डाल्टन ने इस सिद्धांत की व्याख्या बहुत ही अच्छे ढंग से की है। उन्होंने बताया है कि राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि इस व्यय से उत्पन्न होने वाला संतोष कर से होने वाले असंतोष के बराबर न हो जाए। ये हमें क्या करना चाहिए, जब तक हमें बढ़ाते रहने चाहिए, जब से जो इससे हमें हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे और वो हमारे सेटिस्फिकेशन के बराबर ना हो जाए। यह सीमा ही राजकीय आय और व्यय में वृद्धि करने की आदर्श सीमा हो सकती है। यह जो लिमिट है यही क्या हो सकती है, राजकीय जो आय है और जो व्यय है उसमें वृद्धि करने की क्या सकती है, आदर्श सीमा हो सकती है। प्रत्येक सरकार अनेक प्रकार की आय प्राप्त करती है, कोई भी गवर्नमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या करती है, इनकम गेन करती है। जैसे वो क्या कर सकती है, लोन के द्वारा कर सकती है, क्योंकि लोन देगी और लोन के बदले में भी उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, एक प्रिंसिपल होगा, उस प्रिंसिपल से वो डबल ट्रिपल क्या कर देती है पब्लिक के ऊपर, पर जब हमें नीड होती है कि हमें लोन लेना है एजुकेशन के लिए हो सकता है, वो किसी घर के लिए हो सकता है, किसी भी काम के लिए जो हम लोन देते हैं तो उसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को हमें एक टैक्स पेड करना पड़ता है, जो भी हमारे यहाँ पे इनकम ही है एक तरीके से, इंटरेस्ट रहेगी वो हमारे से। और कुछ वो क्या करती है, तो गवर्नमेंट की जो इनकम के जो दो सोर्स होते हैं वो सबसे बड़े, एक तो लोन होता है और दूसरा क्या होता है, टैक्स होता है। टैक्स जब भी हमें वो कोई जैसे सर्विस, आपको पता है GST के थ्रू हो सकता है, वो डायरेक्ट टैक्स हो सकता है या वो इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। पर ऋण क्या होता है, बहुत सारे व्यक्तियों को नीड होती है कि हाँ हमें जो है अपना खर्चा करना है, कंप्लीट पूरा करना है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, ऋण की आवश्यकता होती है। जब सरकार जनता से कर प्राप्त करती है तो समाज पर भार पड़ता है। सिंपल सी बात है, अगर आप में से किसी को भी कह दे कि आपको टैक्स पेड करना है तो आपके ऊपर क्या होगा, बर्डन पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है। पर जब उस टैक्स के, टैक्स तो आप पेड कर रहे हो पर उस टैक्स से आपको क्या हो जाए, कुछ इनकम भी प्राप्त हो जाए, तो आपको क्या लगेगा कि चल मैंने टैक्स तो पेड किया पर उसके बदले में मुझे क्या हुआ, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हुई। मान लीजिए आप किसी बस में जा रहे हो, उस बस में जाते हुए आपने क्या करा, बहुत अच्छी से उसके लिए क्या करा, चार्ज दिया बस में बैठने के लिए, पर वहाँ पे आपको फिर भी क्या हुई, एक बैठने के लिए सीट भी नहीं मिली, तो आप क्या होगे, अनसेटिस्फाइड फीलिंग करेंगे, आपको लगेगा कि यार मैंने इतने सारे पैसे दे दिए और मुझे बैठने के लिए एक सीट भी नहीं मिली, तो मेरे से ये जो चार्ज लिया गया है ये गलत। पर आपको वहाँ पे क्या हुआ, आपने पैसे पेड किए और उसके बदले में आपको बैठने के लिए अच्छी तरह से सीट विट मिली, आपको पूरी तरह से मतलब कंफर्टेबल फील हुआ, तो आपको लगेगा कि चल पैसे तो दिए पर इसके बदले में फैसिलिटीज़ भी मिली। ऐसे ही आप किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, वहाँ पे आपको लगा कि खाने काफ़ी महंगा है, कॉस्टली है, पर वहाँ पे क्या है, एक तो सर्विस बहुत अच्छी है, खाने में जो है खाने में भी टेस्टी है, तो आपको फिर हम क्या होते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो हमने एक पेमेंट किया है उसके लिए, पर हमें वहाँ पे क्या हुआ, सर्विस भी अच्छी मिली, जो वहाँ पे काम करने वाले थे जो उन्होंने हमें क्या करा, एक अच्छी तरह से सेटिस्फिकेशन दिया कि टाइम पे प्रॉपरली हमें हर चीज़ अवेलेबल थी वहाँ पे। तो ऐसे ही जब हम टैक्स पेड कर रहे हैं और टैक्स पेड करने के बदले में जो हमें सर्विसेज हैं वो एक तरीके से हमें सही मिल रही हैं, जितना हम टैक्स पेड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमें गवर्नमेंट के द्वारा जैसे कि पार्क की जो है फैसिलिटी या अदर फैसिलिटी, आप मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं, एजुकेशन गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा क्या हुआ है, एक सिस्टमेटिक वे में काम कर रहा है, तो हमें क्या होगा, वो पैसा हमें दुखेगा नहीं। डॉक्टर डाल्टन ने इस सिद्धांत की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की है कि राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि इस व्यय से उत्पन्न होने वाला संतोष, जो इस व्यय से हमें करने से हमें उत्पन्न होने वाला संतोष कर से देने वाले असंतोष के बराबर ना हो जाए, ठीक है। हमें क्या होगा, जो इनकम हो रही है वो हमें तब तक करनी चाहिए गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंस, जब तक कि जो हम टैक्स के द्वारा बर्डन कर रहे हैं और हमें उसके द्वारा सेटिस्फिकेशन ना प्राप्त हो जाए। यह सीमा ही राजकीय आय और व्यय में वृद्धि करने की क्या होती है, एक आदर्श सीमा के नाम से भी जानी जाती है। प्रत्येक सरकार अनेक प्रकार से आय प्राप्त करती है, कोई भी गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या करती है, इनकम गेन करती है, वो आपको मैंने बताई थी, एक टैक्स है दूसरा लोन है। जब सरकार जनता से कर प्राप्त करती है तो समाज पर क्या पड़ता है, इस चीज़ का भार पड़ता है, और जिसके फलस्वरूप जो सोसाइटी है उसे एक क्या होती है, अनउपयोगिता फील होती है,
कर प्राप्त करके सरकार अनेक सार्वजनिक कार्यों पर व्यय करती है। कोई भी हमने टैक्स प्राप्त करा, उसके बाद क्या होता है, हमें जो बहुत सारे पब्लिक वर्क्स होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती है, उसके ऊपर वह खर्च कर देती है, जिसके फलस्वरूप जो समाज को लाभ प्राप्त होता है वह एक क्या होती है, यूटिलिटी होती है। ठीक है, सरकार इन दोनों का क्या करती है, कोऑर्डिनेशन इस प्रकार करने के प्रयत्न करती है कि समाज को मिलने वाली उपयोगिता उसको होने वाली क्या हो, जो अनुपयोगिता है उसकी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अतः अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत बताता है कि सामाजिक वास्तविक लाभ तब अधिकतम होगा जबकि कर की सीमांत उपयोगिता उसके व्यय की सीमांत उपयोगिता के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, डेफिनेशन वगैरह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।